वेलकम बैक। अपरमेय संख्याओं के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अपरमेय संख्या की परिभाषा बताई गई थी। संख्या यम को अपरमेय संख्या कहते हैं। यदि इसे पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अपरमेय संख्या के उदाहरण भी आपको बताए गए थे, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट टू। पाई भी एक अपरमेय संख्या है, 0.10110111110110, डाट। ये भी अपरमेय संख्या का एक उदाहरण है। आपको ये भी बताया गया अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। आपके सिलेबस में यह है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट टू एक अपरमेय संख्या है, अंडर रूट थ्री एक अपरमेय संख्या है, अंडर रूट फाइव एक अपरमेय संख्या है। कल हम लोग दो प्रश्नों का अध्ययन किए थे, आज एक प्रश्न और सॉल्व करेंगे। हम ये सिद्ध करेंगे कि अंडर रूट फाइव एक अपरमेय संख्या है। कैसे इसको प्रूव करते हैं आइए देखते हैं। सिद्ध कीजिए अंडर रूट फाइव एक अपरमेय संख्या है। माना अंडर रूट फाइव अपरमेय संख्या ना होकर एक परमेय संख्या है। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, विरोधाभास मानते हैं। आपको ये सिद्ध करना है कि अंडर रूट फाइव एक अपरमेय संख्या है, तो आप ये मान लेते हैं, माना अंडर रूट फाइव अपरमेय संख्या ना होकर एक परमेय संख्या है। अगर अंडर रूट फाइव एक परमेय संख्या है तो परमेय संख्या की डिफिनीशन से आप जानते हैं इसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, तब रूट फाइव इक्वल टू पी अपान क्यू, जहां पी और क्यू धन पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये परमेय संख्या की परिभाषा से लिखा गया। यह भी मान लेते हैं, माना पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं, क्योंकि यह दिया गया है रूट फाइव इक्वल टू पी अपान क्यू, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर रूट फाइव इक्वल टू रूट फाइव का वर्ग करेंगे तो फाइव, फाइव इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। फाइव के नीचे आप वन मानेंगे, फाइव के नीचे वन मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा पी स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू फाइव क्यू स्क्वायर। इस रिलेशन को देखते हुए, क्योंकि पी का जो मान आया वो फाइव क्यू स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर का जो मान है उसमें फाइव जो है वो मल्टीपल के रूप में है। अगर किसी संख्या में फाइव मल्टीपल के रूप में है तो आप ये कह सकते हैं कि वह संख्या 5 से विभाज्य है, क्योंकि p स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है। अगर p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए p भी संख्या 5 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो उसके गुणनखंड में 5 जरूर होगा। तब हम ऐसा मान लेते हैं, माना p इक्वल टू 5 r, जहां r कोई पूर्णांक है या धन पूर्णांक है। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर p स्क्वायर इक्वल टू 25 r स्क्वायर, आपको मिल गया p स्क्वायर इक्वल टू 25 r स्क्वायर। परंतु ये पहले से आपको मिल चुका है, p स्क्वायर इक्वल टू 5 q स्क्वायर, मान रख देंगे p स्क्वायर के स्थान पे 5 q स्क्वायर रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 q स्क्वायर इक्वल टू 25 r स्क्वायर, और 5 को आप राइट साइड में लाएंगे तो आपको मिल जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 5 r स्क्वायर। अब इस रिलेशन को आप देखेंगे, q स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 5 r स्क्वायर है। इस संबंध को देखते हुए हम ये कह सकते हैं q स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, क्योंकि q स्क्वायर का जो मान आया है उसमें 5 जो है वो गुणन के रूप में है।
तो आप कह सकते हैं कि स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी संख्या 5 से विभाज्य होगा। अगर q स्क्वायर 5 से विभाज्य, जैसे आप कोई संख्या 25 ले लीजिए, 25 अगर 5 से विभाज्य है, इसका वर्गमूल अगर लेंगे तो 5 आएगा, 5 भी 5 से विभाज्य होता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि q भी संख्या 5 से विभाज्य है। अब आपको ये मिल गया कि p और q दोनों 5 से विभाज्य है, p भी 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है, p और q संख्या 5 से विभाज्य है, 5 p और q का सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब ये हो गया, अगर p और q 5 से विभाज्य है तो आप कह सकते हैं कि 5 p और q का सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या जो कि एक की अतिरिक्त है, क्योंकि किसी भी संख्या में एक होता ही है मल्टीपल के रूप में, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है, क्योंकि हमने माना था कि माना p और q में एक की अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, और इसको सॉल्व करने पर हमको मिला कि p और q में एक की अतिरिक्त एक अभाज्य गुणनखंड 5 है, या अभाज्य गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। इसका मतलब जो हम माने थे वो गलत है, उसके उलट में होगा। आप माने ये थे कि अंडर रूट 5 एक अपर में संख्या ना होकर एक पर में संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं हमारी कल्पना का विरोधाभास हुआ, तो हम कह सकते हैं अंडर रूट 5 एक अपर में संख्या। क्या इस प्रकार के सभी प्रश्नों को आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, चाहे आपसे ये पूछा जाए अंडर रूट 2 एक सिद्ध कीजिए, अंडर रूट 2 एक अपर में संख्या है, अंडर रूट 5 एक अपर में संख्या है, अंडर रूट 7 एक अपर में संख्या है, सबको ऐसे ही प्रूफ करते हैं। लिखने का तरीका एक ही है, सभी को प्रश्न को आप एक जैसा ही लिखते हैं, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए, लिखने का तरीका भी आना चाहिए।